ग्वालियर चीता, जयपुर लॉयन, भोपाल लेपर्ड क्रिकेट के मैदान में दाड़ने को तैयार हैं। दरअसल ग्वालियर में पहली बार मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है। जीडीसीए के उपाध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के वंचित लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए इस आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आईपीएल 2020 की तर्ज पर एमपीएल यानी मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का आयोजन जीडीसीए करने जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख व्यवसायिक घरानों के सहयोग से आयोजित होने वाले एमपीएल सिंधिया कप को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में एमपीएल का थीम सॉन्ग रिलीज किया गया। अपने दादाजी और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव सिंधिया के संस्मरणों का उल्लेख करते हुए जीडीसीए उपाध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया ने बताया कि माधव सिंधिया ने कल के माध्यम से क्रिकेट खिलाड़ियों को रोजगार देने का काम किया है और एमपीएल मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए अवसर तैयार करेगा। पहली बार होने जा रहे इस एमपीएल का आयोजन ग्वालियर के शंकरपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। यह केवल एक टूर्नामेंट नहीं होगा, इसमें आईपीएल की भांति प्रदेश के व्यवसायिक घरानों को आमंत्रित किया गया है, जो अपनी अपनी टीमें इस क्रिकेट के महाकुंभ में उतारेंगे, जिससे खिलाड़ियों के नाम और प्रसिद्धि के साथ पैसा भी मिलेगा। मैं सब प्लेयर से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, उनकी दर्द जो है समझने की कोशिश मैं पकड़ा और दो तीन चीज सामने बहुत साफ तरीके से आई। सबसे पहले उनको एक मंच चाहिए था जिससे वो लाइव भारत में वो टेलीवाइज हो, ताकि उनका जो स्किल है, ताकि उनका जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो लाइव पता चले उनका नाम। दूसरा है इंडियन स्काउट्स जो है स्टेट के जो स्काउट है उनसे उनका कोई संबंध मिले। तीसरी चीज है उनको एक मौका मिलेगा एक बड़े स्तर पर खेलने के लिए बाकी बड़े प्लेयर्स के साथ। चौथा चीज है उनको एक अवसर मिलेगा कुछ कमाने के लिए। वो भी प्रॉब्लम था, हर वक्त खेलना प्रैक्टिस करना लेकिन कमाने का कोई अवसर नहीं मिला, तो कुछ कमाना चाहते थे। और लास्ट चीज है कि वो चाहते थे कि बिजनेस कम्युनिटी से उनका कोई सपोर्ट हो, सहायता। तो ये चार पांच चीजें सोचते हुए मैंने किसान मेहता जी ने, रवि जी ने काफी देर चर्चा की और हमें सामने एक समाधान आया। हमारे सामने हमें एक लीग बनाना था जो जिसके माध्यम से इन प्लेयर को ये अवसर मिले रोजगार, ये अवसर मिले कुछ कमाने का, ये अवसर मिले टेलीवाइज प्लेटफॉर्म या टेलीवाइज मंच से उनको देखने का, इंडियन स्काउट से कुछ संबंध बनाने का, मध्य प्रदेश के स्काउट से कुछ संबंध बनाने का। तो ये था जो है एनपीआर का विजन। लेकिन मेरे हिसाब से उसके एक और भी बड़ा विजन है जो हम सब जो मध्य प्रदेश की जो जनता है उनकी मांग है कि एक आईपीएल टीम यहाँ पे खड़ा। लेकिन आईपीएल टीम ऐसे नहीं आती सबकी, आईपीएल टीम में समय लगता है, फाउंडेशन बनाना पड़ता है, एक लेगेसी बनानी पड़ती है टूर्नामेंट्स की, लीग की, प्लेयर्स की, बिजनेस कम्युनिटी की। तो मेरे हिसाब से वो भी एक हमारे लिए अब ये अवसर शुरू हो रहा है, शामिल हो रहा है। तो ये है एमपीएल का जो विजन है। और इमरान मेहता जी इसकी अगर आप और भी कुछ मारवन जी इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी और उन्होंने टीम को लिया है, कहां कहां की टीम खेलेंगी? देखिए ये सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे ये खाली बिजनेसमैन नहीं, देखिए हमारा सोच क्या था, हमारा सोच था कि हर लीग के तरह खाली बिजनेसमैन उठाना नहीं, हमारा काम है ऐसे व्यक्ति को उठाना जिसके इतिहास में जिसके अनुभव में भी क्रिकेट को स्पॉट्स हो, ताकि वो हमारे साथ बदलाव लेके। ठीक है, मेरा एक सोच होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी लोग हो जिनका सोच और विचार सामने आए और हम साथ में मिलकर एक समाधान निकाले क्रिकेट के। तो सबसे पहले ये खाली बिजनेस ओनर्स नहीं, ये एक्सपीरियंस लोग हैं, अनुभव लोग हैं जिसमें क्रिकेट में पहले शामिल हुए हैं, स्पोर्ट्स में शामिल हुए हैं और ये बहुत उत्साहित है बदलाव लेके आने के लिए। ये एटलीस्ट 5 साल के लिए तो होगी, तो हर साल ये रिन्यू होगी। और मैं चाहता हूँ कि अगले साल और भी टीम जिसमें जुड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश आपको पता है काफ़ी बड़ी क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि वो पूरा क्षेत्र हम कवर करें, ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सारे प्लेयर्स के लिए। ये नहीं हो कि खाली एक एरिया में कॉन्सेंट्रेशन हो। हाँ, ये शुरुआत है, इसलिए हमें एक छोटे स्तर से शुरुआत करना चाहते हैं।
हम उसको बढ़ाना चाहते हैं और ये पूरा मध्य प्रदेश में फैलाना चाहते हैं।